नमस्कार, दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। जापान के साथ दोस्ती को सिर्फ बुलेट ट्रेन से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि पिछले 3 साल में कूटनीति की पटरी पर भारत और जापान के रिश्तों की जो बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, उसमें चीन के लिए बड़ा मैसेज है। खासतौर पर भारत और जापान के रक्षा संबंधों को लेकर चीन टेंशन में आता रहा है। डिफेंस के मामले में जापान पर अमेरिका की कई बंदिशें हैं, जिनसे मुक्ति के बाद जापान नए रक्षा संबंधों के लिए भारत की ओर देख रहा है। शायद इसीलिए पिछले 3 साल में 2 बार जापान के पीएम भारत आ चुके हैं, पीएम मोदी 2 बार जापान जा चुके हैं। आज हम आपको भारत में आने वाली जापानी बुलेट ट्रेन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बुलेट यार भारत और जापान का लड़ाकू चीन को लाइन पर लाने के लिए बड़े गेम प्लान का विश्लेषण जरूरी है। डिप्लोमेसी में इस तरह के मेगा इवेंट शायद ऐसा पहली बार दुनिया को भारत सिखा रहा है। न्यू इंडिया की इस मेगा शो वाली कूटनीति का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन आज की तस्वीरों का सबसे बड़ा मैसेज क्या है, इसकी बात सबसे पहले, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें पड़ोसी चीन कभी देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये वो दोस्ती है जो लड़ाकू चीन को लाइन पर लाने वाली है। ये सिर्फ संयोग नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे 3 साल में किसी न किसी मंच पर, किसी न किसी मौके पर कम से कम 10 बार मिल चुके हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं कि पीएम मोदी पिछले 3 साल में 2 बार जापान के दौरे पर जा चुके हैं, शिंजो आबे 3 साल में 2 बार भारत आ चुके हैं। दक्षिण एशिया से बाहर पीएम के तौर पर मोदी पहली बार किसी देश में गए थे तो वो जापान ही था। ये चीन को क्लियर मैसेज था। जैसे आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर लेकर गए, वैसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी साबरमती रिवर फ्रंट पर घुमाया था, झूला झुलाया था। ये कूटनीति का बैलेंस बनाने की कोशिश थी, ये चीन से नए रिश्तों का रास्ता खोलने की कोशिश थी, लेकिन चीन की अकड़ और जिद का वजन रिश्तों से ज्यादा निकला और आज भी वही हाल है। पाकिस्तान के आतंकवाद को बचाने के लिए चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 18 महीने से आतंकी मौलाना मसूद अजहर को यूएन के बैन से बचा रखा है, 48 देशों के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री होने से रोक रखा है, बॉर्डर पर मनमानी से रोका तो डोकलाम टकराव में युद्ध की भाषा बोलने लगा। जब चीन को लगा कि अब ये सब नहीं चलेगा तो इस टकराव से उसका नुकसान तय है, भारत को दुश्मन बनाना सही नहीं, इसीलिए इतने देर से डोकलाम पर बात मानी, ब्रिक्स में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम आने से नहीं रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। डोकलाम के बाद अब भारत कहीं ज्यादा सतर्क है, सावधान है, और अब चीन के लिए जापान वाला गेम प्लान भी है। जापान से चीन का वैसे भी पुराना 36 का आंकड़ा है, इसीलिए मोदी और आबे की ये तस्वीरें चीन को बहुत चिढ़ाने वाली है। भारत और जापान की दोस्ती में बुलेट ट्रेन तो सिर्फ प्रतीक भर है, क्योंकि बात बुलेट दोस्ती से आगे रणनीतिक दोस्ती के तौर पर दिख रही है, जिस दोस्ती को चीन खुद के लिए बड़ा खतरा भी बताता रहा है। 2014 में भारत ने पहली बार समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार में जापान को शामिल किया तो चीन चिढ़ा। इस साल भी मालाबार अभ्यास पर कहा था कि ऐसे अभ्यास चीन को टारगेट पर रखकर नहीं होने चाहिए। बिजनेस के मामले में वैसे भी चीन और जापान की एशिया से लेकर अफ्रीका तक कड़ी रेस है। भारत में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पाने के लिए चीन ने बड़ी लॉबिंग की थी, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिला। मुंबई अहमदाबाद ट्रैक का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान को मिल गया। चीन ने दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर स्टडी भी की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। दोनों चाइना की मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग में, फिर हमारा मिलिट्री कॉपरेशन है, जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं इनके साथ मिलके, और फिर जापान के साथ, अमेरिका भी उसमें सम्मिलित है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का एक बड़ा रोल है, भारत की नेवी का और इस तरह का कॉपरेशन है। ये एक बड़ा आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये अच्छा होगा, दोनों मल्टीप्रॉन्ग जो हमारा रिलेशनशिप है वो और बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ से, निवेश भी यहाँ पे आएगा।
इसीलिए बात बिजनेस से आगे बड़े गेम प्लान की है, जिसमें टारगेट पर चीन की अकड़ और उसका लड़ाकू रवैया है। भारत की जापान, अमेरिका, वियतनाम से गहरी दोस्ती चीन के लिए सीधा संकेत है कि भारत को दुश्मन बनाने में उसी का नुकसान है। ये चीन जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना ही अच्छा होगा। भारत से दोस्ती की कीमत पर अगर पाकिस्तान के आतंकवाद को बचा, भारत की राह में रोड़ा बनने, भारत को बॉर्डर पर धमकाने या खतरा दिखाने का काम चीन करता रहेगा तो इसका भी इलाज भारत के पास है। गोपी घांघर और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, अहमदाबाद आज तक। आज कूटनीति के मेगा इवेंट और कल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के बाद भारत और जापान की सालाना शिखर बैठक का इंतजार है, क्योंकि इसमें उन बड़ी डिफेंस डील पर आगे बात बढ़ सकती है जिन डिफेंस डील को लेकर चीन टेंशन में है। इसमें US-2 एम्फिबियस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी डील शामिल है, जिन विमानों में जमीन ही नहीं समुंदर में भी लैंड करने की टेक्नोलॉजी होती है। डिफेंस डील में हथियारों को साथ मिलकर बनाने, टेक्नोलॉजी का साझा इस्तेमाल करने की बात भी शामिल है। पिछले साल इसी पर चीन ने गुस्से में कहा था कि जापान जिस तरह से कम कीमत पर भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी दे रहा है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए भारत और जापान की दोस्ती बुलेट ट्रेन से भी आगे की है, क्योंकि कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें जापान सिर्फ भारत के साथ ही डील कर रहा है। जापान ने पहली बार ऐसे किसी देश के साथ न्यूक्लियर डील की है जिसने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। जापान अमेरिका की बंदिशों से मुक्त होकर पहली बार किसी देश के साथ डिफेंस सेक्टर में डील कर रहा है। जापान इकलौता देश था जिसने डोकलाम के टकराव पर चीन की युद्ध की धमकियों पर भारत का खुलकर पक्ष लिया। भारत और जापान मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर से चीन के वन बेल्ट वन रोड को चुनौती दे रहे हैं। भारत और जापान मिलकर ईरान के चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं, जो चीन के पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट का जवाब है। भारत और जापान मिलकर श्रीलंका में ट्रिंकोमाली पोर्ट पर काम कर रहे हैं, जो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन को चुनौती है। भारत और जापान मिलकर थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पर दावेई पोर्ट पर काम कर रहे हैं, जो म्यांमार में चीन को चुनौती है। इसीलिए कल जब भारत और जापान के बीच डिफेंस डील पर कोई बात आगे बढ़ेगी या कोई डील फाइनल करने पर सहमति हो जाएगी तो चीन की प्रतिक्रिया देखना बहुत रोचक होगा, क्योंकि चीन के एक्सपर्ट भारत और जापान की डिफेंस दोस्ती को एशिया के लिए खतरा तक बताते रहे हैं। ये तो अभी से बहुत हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन इस पर क्या बोलेगा, लेकिन आज जो अहमदाबाद की सड़कों पर कूटनीति का मेगा इवेंट देखने को मिला उससे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी याद जरूर आ गई होगी। ये चीन की अकड़ थी जिसने खुद ही अपनी जगह जापान को दे दी है और भारत को एक तरह से दुश्मन बना लिया है, क्योंकि डोकलाम के बाद भारत चीन को और भी ज्यादा संदेह की नजर से देखता है। अहमदाबाद में आज के मेगा इवेंट में कूटनीति की दुनिया का मोदी मॉडल दिखा, जिससे कूटनीति की दुनिया के लोग बहुत हैरानी से देख रहे होंगे। भारत नए तरीके से कूटनीति करना दुनिया को सिखा रहा है। आज दोपहर जैसे ही जापान के पीएम शिंजो आबे अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर उतरे, नरेंद्र मोदी के स्टाइल की परिचित झप्पी उनका इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री खुद जापान के पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। कूटनीति के तय नियम तोड़कर ऐसा मोदी ही नहीं, कई नेता दोस्ती की प्रगाढ़ता दिखाने के लिए करते रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें आई वो डिप्लोमेसी की दुनिया का नया बेंचमार्क है। जापान के पीएम के स्वागत के बाद साबरमती आश्रम तक अहमदाबाद की सड़कों पर करीब 8 किलोमीटर तक दोनों प्रधानमंत्रियों का जो रोड शो हुआ वैसा हाल फिलहाल में तो कहीं नहीं दिखा। सूट बूट पहनकर आए शिंजो आबे कुर्ता पायजामा और नीली नेहरू जैकेट में पूरे भारतीय बन चुके थे। उनकी पत्नी लाल सलवार कमीज और सफेद दुपट्टे में पूरी भारतीय बन चुकी थी। खुली जीप में करीब आधे घंटे तक रोड शो, सड़कों के किनारे स्वागत करते लोग, भारत और जापान के झंडे, ऐसी तस्वीरें कूटनीति की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती हैं। जापान के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ये दोनों यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पारंपरिक कपड़ों में आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल लोगों में उत्साह जो है, हर कोई और नारा लगा रहा है। तमिलनाडु का जो कल्चरल स्ट्रीट जब यहाँ से दिखा तो
कोई वेव दिखा रहा है, हर कोई उसे वेव करके उनका स्वागत कर रहा है। जो जापानीज डेलीगेशन है वो यहाँ पे आई हुई है। दो प्रधानमंत्रियों का एक साथ खुली जीप में रोड शो, जापानी प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का भारतीय लिबास, ये कूटनीति की दुनिया में प्रगाढ़ दोस्ती के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं। रोड शो का रास्ता उस साबरमती आश्रम पर पहुंचा जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1917 से लेकर 1930 तक के दौरान जीवन के 12 साल बिताए थे। प्रधानमंत्री मोदी बापू के आश्रम की बड़ी बातों और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जापान के पीएम और उनकी पत्नी को खुद गाइड कर रहे थे। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय डिग्नेटरी बड़ी व्यक्ति या फिर कोई राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, तो हमेशा आप बापू कुटीर का तो दौरा करते ही, लेकिन इसके अलावा एक यहाँ पर जो विजिटर्स बुक रखा गया है उस पर सभी लोग आमतौर पर साइन करके अपनी सिग्नेचर करके अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और उनकी पत्नी आकी आबे दोनों ने यहाँ पर इस विजिटर डायरी में साइन किया है, आप देख सकते हैं। जापानीज में ये दोनों के साइन किए हुए हैं, जापानीज लिपि में दोनों लिखे हुए हैं। ये जो मेरे ख्याल से हमें बताया गया है ये उनकी पत्नी आके अबे की यहाँ पर दस्तखत है और ये प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दस्तखत है। क्या क्या और लिखा है हम जानते हैं आश्रम के कर्मियों से जो उनके साथ में थे। मैम ये जापानीज में लिखा है, क्या लिखा है? ये जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है लव एंड थैंक यू, ये उनकी वाइफ की साइन है और ये पीएम साहब की साइन है। वो जिस वक्त साइन कर रहे थे उस वक्त तो मैंने उनके चेहरे पर खुशी नहीं देखी थी, पर वो जब वॉक कर रहे थे गांधी आश्रम में तब मैंने उनके फेस पर जो खुशी देखी है वो तो महसूस कर ही रहे थे। साथ साथ हमने भी महसूस किया कि उनको बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। साबरमती आश्रम में 15 मिनट के दौरान पीएम मोदी ने जापान के पीएम को रिवर फ्रंट भी दिखाया, इसका भी बड़ा मैसेज है। ये तस्वीरें अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग देखेंगे तो उन्हें अपनी याद आएगी जब वो सितंबर 2014 में अहमदाबाद आए थे और इसी साबरमती आश्रम में मोदी ने उन्हें भी घुमाया था, रिवर फ्रंट पर झूला झुलाया था। शी जिनपिंग की जगह आज शिंजो आबे ने ले ली है। मैसेज है कि चीन ने अपनी अकड़ में भारत में जापान के लिए जगह छोड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पूरे साबरमती आश्रम का दौरा करा, इसमें विशेषकर महात्मा गांधी के कुटीर में उनको लेके गए और उस कमरे तक ले गए जहां पर महात्मा गांधी बैठकर अपना काम किया करते थे। ये वही कमरा है, ये वही जगह है जहां पर बापू बैठकर चरखा चलाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को पूरी तरह से समझाया कि किस तरह चरखे पर चरखा बुना जाता है, चरखा चलाया जाता है। अगर ये कहा जाए कि कूटनीति का नया स्टाइल दुनिया को भारत दिखा रहा है तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि पीएम मोदी इस मामले में मास्टर हैं। डिप्लोमेसी को मेगा इवेंट और मेगा शो में बदलकर दो देशों के रिश्तों की ऐसी मार्केटिंग, दुनिया में कोई दूसरा नेता इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि बराक ओबामा को चाय पिलाने से लेकर शी जिनपिंग को झूला झुलाने तक, शिंजो आबे को खुली जीप में घुमाने से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को झप्पी डालने तक और इसराइल में समंदर के किनारे नेतन्याहू के साथ चलने तक, ये मोदी स्टाइल की डिप्लोमेसी है। इसी कूटनीति में आज चर्चा की दूसरी बड़ी तस्वीर भी आई जब पीएम मोदी अहमदाबाद में 16वीं सदी की प्रसिद्ध सीधी सैयद मस्जिद में गए, जो अहमदाबाद की साझी विरासत की प्रतीक है। 444 साल पुरानी ये मस्जिद संगमरमर पर बारीक कलाकारी के लिए मशहूर है। 1573 में इस मस्जिद को गुजरात के सुल्तानों ने बनवाया था। ये राजनैतिक चर्चा का विषय था क्योंकि पीएम मोदी पहली बार भारत में किसी मस्जिद में गए थे। वैसे पीएम मोदी 2015 में यूएई के दौरे पर अबू धाबी में भव्य और ऐतिहासिक शेख जायद मस्जिद भी जा चुके हैं, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। लेकिन आज जापानी पीएम के साथ अहमदाबाद में सीधी सैयद नी जाली मस्जिद में उनका जाना देश की साझी विरासत को दिखाना भी था। आज के मेगा शो के बाद भारत और जापान की दोस्ती का बड़ा दिन गुरुवार को है जब भारत में पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी, जिसका सबको इंतजार है। गोपी घांघर और कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, अहमदाबाद आज तक। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बड़े बड़े दौरों को महानगरों से बाहर निकालकर दूसरे राज्यों में ले जाना नरेंद्र मोदी की कूटनीति का स्टाइल रहा है। शिंजो आबे वाराणसी जा चुके हैं, अब अहमदाबाद के उन्होंने दर्शन किए, कुछ वैसे ही जैसे हमने आपको दिखाया कि शी जिनपिंग ने किया था। उस वक्त मैं वहीं पर थी और दिखा था भारत की मंशा कितनी सच्ची थी, लेकिन चीन उस वक्त भी सरहद पर टकराव की स्थिति में था। एक बार माफ किया जाता है, डोकलाम के बाद
अब भारत नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। बुलेट ट्रेन की वो रफ्तार और वो दिशा दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए खबरदार।